मुश्किल में पड़ रहे हैं, लेकिन हरामजादे जल जल के मर रहे हैं। इमाम एक नवी नज़्म हो सुना, एक मेरे भाई का हुक्म है, और उन्होंने पिछले मजलिस से क्या सीखा, पढ़ नहीं सीखा, खुला टाइम जो बात को पढ़ी, एक नज़्म का मैं और सुनाऊँ, वो दिल कर रहे कि उस बादशाह ने पढ़ा। नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हाजरी या अली, हाजरी या अली, लंकर सलवा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बस मेरे दिन जा रहे हैं, जो वक्त जा रहे हैं, जैसे दौर जा रहे हैं, उस दौर की मुनासिबत में पढ़ रहे हैं। जो पर्दा हटावे महदी ते चेहरा दिखावे महदी, ए मिट्टी चश्मा वेख ला ते मैं भी मुस्तफा। मैं सामना ले रोज लड़ा मुसल्ले ते दुआए करा, तू अली दी अज़ान देने ते पीछे मैं निमाज़। मैं सावन रोज लड़ा मुसल्ले ते दुआए करा, तू अली दी अज़ान देने ते पीछे मैं नमाज पढ़ा, ते तेरी नाले चूम के मैं अर्श आला वेखला। कैसी गल है, नुकसान
एक खूबसूरती भी घटाता है, लेकिन कैसी लकीर लगी काबे च, काबे की खूबसूरती का मरकज बन गया। चलो जिन्होंने समझ आई मेरे मेहरबानी, पुत्र सुदा करना शेर पड़ जाता से बने के एक काबे च बहार होवे, दोबारा एक काबे च बहार होवे ते टूट दी दीवार होवे ते तेरे बल कर के रखू ईसा अजादा। इसलिए खुम की वादी में
आई हूँ मैं मेरी चादर अली की मददगार है। क्या बात है, जिसकी चौखट से आजान जारी हुई, जिसकी चौखट से आजान जारी हुई, उस अली का तशाहुद में इकरार है। उस अली का ऐसे जिले में खैर आप नहीं दे सके लाइव बल इतना किसे खास होने के जिंदगी में नहीं डालते जरा इतने मुट्ठा कोई मुश्किल भेजे हो ना जरा चुप करे आज इतने बुजुर्गों को सुन रहे हैं पहले बुजुर्ग फिर मामले की बेटा मैं सुन बोलना चाहिए क्योंकि मौला का फरमान है कि बोलो ताकि पहचाने जाओ बंदा बोलता जुबान के पीछे सरदार चुके अंदर कड़क दो आ रहे हैं शेर पाड़े पड़ी से कुछ काम की वैसे इतने बुजुर्ग नहीं शहबाज हैदरी साहब ने लगता है कि आज पर बैठे प्यारे मौला के कसीदे खान ऐसे खूबसूरत और लोजी करने वाली बंदा जो मर्जी दुनिया से काम करेगा वो तीन चीज़ें कठिया नहीं रह सकती या दौलत शौहरत मिलती है या इज्जत दौलत मिलती है या शौहरत इज्जत मिलती है वाहिद इमाम हुसैन बादशाह ने मर्जी जिसे सब तो पहले तीन चीज़ें मिल जाती हैं शौहरत भी दौलत भी इज्जत भी। बहुत प्यारे मजा खान मेहरबान इंतहाई खूबसूरत आवाज इंतहाई खूबसूरत पढ़ना लगे बल्कि मैं तुम्हें रिक्वेस्ट भी करा मेरे घर किसी किसी का लाजमी सुना जो एलगी चले शेर थोड़े थोड़ी कम भी फिर मारे जिन्हें फिजा पास आता हज होते बीबी रहमत आलमीन सरकार द्वारा ने हुक्म तौहीद के नाल विलायतरी का ऐलान करके साडा दीन मुकम्मल किया इतना खूबसूरत तोहफा इन्हें दिता बीबी तुम कोई तोहफा लिता विलायत के नाम तो बाद जब वली ने विला को बदन दे दिया मैंने तोहफे पे फौरन हसन दे दिया उसने तोहफा हसन हुए नारकेगा विलायत का ये कारवां नारकेगा विलायत का ये कारवां क्योंकि शब्बीर इस आलमदार है मैं जितना भी इज्जतदार हाँ सिर्फ दुआ की वजह से
तुझे दुआ कर दो तो मैंने इज्जत मिल रही है, नहीं तो मेरी बात दो पैसे नहीं मिल सकती। बादशाह बार क्या करोगे मिंबर पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतहू बिला फसल पूरा कलमा पढ़ के कसम चाह के कह रहे हैं मैं थोड़ी वजह तो इज्जत है साईं दी ना लेने ते हर कोई इज्जतदार हो जाता है। शेर भी जी मेरे अंदर का एक तोहफा जो मैं तुम देना चाहता जो तोहफा कबूल करना चाहते हैं कि तोहफा कबूल किमें करना चाहिए उन्होंने बंद से शेर पाड़े तवज्जो मेरे पास रखनी जी जनाब सदरे कहनात रहमतुल आलमीन बाबू जी ऐलान विलायत के बाद बीबी अपनी बेटी के फैमिली में बाहर आके आए तो चहल पड़ी शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी इस गल आए तो चहल पड़ी बीबी ने बाबा के लहजे सुन कहते बाबू जी आपके लहजे में परेशानी महसूस हो रही है सरकार को फरमाया बेटा आप जानते हैं कि अंदर क्या है जिनके सामने ऐलान की इनके दिलों में क्या बीबी के बाबा बिल्कुल परेशान ना हो डर मुनाफिक की आंखों में भर दूंगी मैं इस विलायत को पास कर दूंगी मैं ye
शेर से उमर जंगे इबादत का अबू तालिब
मोहम्मद की निभाएंगे बशर को ना तसे कलमा बशर को ना तसे कलमा अबू तालिब पढ़ा पूछा कर अरब के देश में अबू तालिब अला गालिब से पूछा कर और सुनना है जो तूने मुस्तफा का मुर्तजा बचपन हलीमा तक न ठहरा कर अबू तालिब से पूछा कर बड़ी प्यारा कथा याद आ गया मौला पाक ने सलामत रखे सेहत मुझे दे मुर्तज की खुशियां रखी बड़ी प्यारी गल कर मुशायरियों का खुदा नहीं पर मुशायरियों का खुदा नहीं पर अली का रुतबा जुदा तो है ना चलो मजाजी ही मानता हूँ वो फातिमा का खुदा तो है ना थके नहीं है तो नाथ बिस्मिल्लाह है जा सके एक अपने नाना जानदर की सीधा सुनाओ ना तो सस्ती की जुबान तो सुनाना चाह रहे हैं जिसे खर्चे ते इस्लाम पले है परवान चले हर इंदा को आखिर अंजाम दे दिया सारे लाहौर के शायर ने अब्बास पर ना अब्बास ही ना ज्यादातर मुशायरे पढ़ते हैं उन्होंने का तफा लिखा जी और देखो सही इज्जत देनी है पर दुनिया किस किस मजा खान ने कड़ी की जगह पर पड़े हर इत्तला को आखिर अंजाम दे दिया एक मुस्तनद खुदाई का पैगाम दे दिया जब तय हुआ रिश्ता खदीजा का रसूल से खालिद ने मुंह दिखाई में इस्लाम दे दिया क्या बात क्या बात ले भाई इमाम हुसैन चला गया जिसकी नालंद का जिसकी नालंद का अर्श पे नूर है पेशवा मिल गया है मुझे नबी 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 मुस्तफा मिल गया है मुझे मुस्तफा
मुस्तफा मिल गया है मुझे, मुस्तफा मिल गया है मुझे, माल क्यों ना सदी जा लुटा करे बादशाह, मिल गया शम्स जिस को निकलता है अब
वो अली मेरे हाथों में पले क्या बात है और ये उनकी बुखार को बुला देगा नाम से नाम से बाल भी चढ़ी इतने जब बता दरमान ये बंदे संगीत लेकर का सरकार संबंध नहीं करना इमाम जिमाना तो सरकार दे रहे मालिक इमाम जिमाना दी नारायण ने सरकार नहीं बता रहे किधर चला बता दरमान भी फरमाए कुछ कर शम्स जिसे ठंड लग रही है ना वो एक बार गली का ना है जी लोए अंदर ना एक
विलायत का एक आतिशबाज़ मेरे लिए दुआ करें।
जमील भाई के लिए, नुमान भाई के लिए, उनके ब्रादरान के लिए, हमाद, एहसन, असद, जानी, इन सब के लिए दुआ करें मौला, इन सबको इतना दे के आपके लिए हम राही बिछाएं, पलके बिछाएं और आपकी खिदमत करते रहें। मालिक आप सबको तंदुरुस्ती अता फरमाए, नारों का जवाब इबादत समझिए, बेशक हम अली जिन वलीउल्लाह पढ़ने वाले हकीकी हैं और अली जिन वलीउल्लाह की शम्मा जो है वो बज़्म जो है रोशन हमारे दिलों में है, माँ की तहारत और बाप की शराफत का सबूत देने के लिए नारा बसा कर चले।
दे रहे हैं जी जी। अच्छा जी अच्छा ना कोरोना आई बीमारी आई वो आई ये एक वजह से आई वो सिर्फ अजादार ते अवजार अलग अलग करना है अवजार वास्ते नहीं सरकार अजादार वास्ते शेर पड़े भी फरमाए भी फरमाए एक गल पड़े सी यार शेर पता नहीं मैं तो बोला कि किसम तुम देख के पड़े जिसे माफी दी सी जिन्हें जुतियां सर के मजाक भी फरमाए लफ्ज कोरोना दे रखना एक चीज दो दफा इस्तेमाल करना यानी कि एक ही लफ्ज है भैया दो एक लफ्ज दो जगह इस्तेमाल हो जाए सेंस देख ली है मार्फत देख ली है कितने आला जर खुद समझ आती है तो जो जी होगी समझ भी नहीं आएगी भी फरमा रही विलायत के दुश्मन कोरोना पड़ेगा कर
कुर्बान है उतना बड़ा इज्जतदार होता है। पता नहीं कई बंदे
ਪਰਦਿਆਂ ਚ ਪਲਦੇ ਹੋਣ ਇਤਨੀ ਸੋਚੋ ਧੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਚ ਪਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ਗੋਲ ਸ਼ਬਦ ਝਿੰਕਾਂ ਫੁੱਕ ਕਰਕੇ ਬੈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋ ਮਨਾ ਲੋ ਕੀ ਕਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕਾ ਕੇ ਦਿਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆਖੋ ਜਾਂ ਮਾਤਮ ਕਰੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਬੋਲੀ ਸ਼ਕਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਮ ਕਰੇ ਬੜੇ ਬਾਜੀ ਮੌਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਕੀਲ ਦੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਬਲਾ ਇੰਤਹਾਈ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਰਜ਼ਾ ਬੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਲਾ ਬਾਦ ਮੌਲਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਸੀਬ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਬਲਾ ਮੈਂ ਬਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਮਜਲਿਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਹਾਏ ਕਿਆ ਕਿ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ ਜੁਲਾ ਕਰੂੰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਨਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਡਾਂਟਾ ਝਿੜਕ ਦੇਵਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਜਬੇ ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਕੰਮ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਸਜਾਦ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਹੋ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਰਾਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਕਰ ਸਜਾਦ ਤੇਰੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹਰ ਬੀਬੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇ ਮੰਗ ਲਈ ਮੇਰੇ ਬੱਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੀਨ ਤੇ ਸੌਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੁਝ ਮੈਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਿਆ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿਓ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਓ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲ ਸਜਾ ਦੇ ਸਜਾ ਦੇ ਨਾਮ ਚ